राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और तीखे नोकझोंक के बीच आज शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने पूरी दिल्ली में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी पूरी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा होमगार्ड सहित अर्धसैनिक बलों के 75,000 से ज्यादा हथियारबंद जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। इसे राज्य चुनाव मुख्यालय परिसर में पहली मंजिल पर बनाया गया है। इस पहले तीनों प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत दावे कर डाले हैं। एक तरफ आप अपने काम के दम पर सत्ता में वापस आने की गारंटी दे रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम पार्टी दिग्गजों की रैलियों ने दिल्ली में हवा का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली के वोटर्स इस बार सबको अचंभे में डालने वाले हैं और उन्होंने कांग्रेस का साथ देने का मन बना लिया है। अब देखना होगा कि दिल्ली के सिंहासन पर जनता किसको बिठाती है। केरल सरकार के बजट के कवर पर महात्मा गांधी की हत्या की फोटो लगाने के बाद विवाद शुरू हो गया। विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को गलत बताते हुए निशाना साधा। विवाद के बाद वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने कहा कि देश बापू के हत्यारे को कभी नहीं भूल सकेगा। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि हां, हमें याद है कि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। हम यह नहीं भूल सकेंगे कि उनकी किसने हत्या की थी। उन्होंने कहा कि यह फोटो दिखाती है कि राष्ट्रपिता खून के पूल में लेटे हुए हैं और समर्थक उन्हें घेरे हुए हैं। इसाक ने कहा कि इस पेंटिंग को केरल के ही एक कलाकार ने बनाया था। इसका चित्रण अब अधिक प्रासंगिक है क्योंकि देश के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि केरल सरकार ने बजट में तटीय इलाकों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 1,500 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन और पेयजल परियोजनाओं के लिए 4,383 करोड़ रुपए रखे हैं। आगामी वर्ष में 2.5 लाख पानी के कनेक्शन देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने सभी कल्याण पेंशन निधियों में 100 रुपए का इजाफा किया है। धान की खेती करने वाले किसानों को 40 करोड़ रुपए और राज्य में स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एस जयशंकर ने एक ट्वीट कर जापान के उस शिप का जिक्र किया जिसमें कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के होने की बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि कई भारतीय चालक दल और कुछ भारतीय यात्री जापान के क्रूज जहाज डायमंड प्रिंसेस में सवार हैं। हमारे दूतावास को मिली जानकारी के अनुसार अभी तक किसी में भी कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। हम बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने चीन के वुहान क्षेत्र में भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के लिए 2 उड़ान भेजी थी। उन्होंने बताया कि 80 भारतीय छात्र अभी वुहान में ही है। इनमें से 70 छात्र स्वेच्छा से वहां रुके हैं। उन्होंने कहा कि 10 भारतीय छात्र चीन में हवाई अड्डे तक आ गए थे, लेकिन उन्हें बुखार होने के कारण चीन के अधिकारियों ने देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी। जयशंकर ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार चीन में भारतीय नागरिकों की मदद के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि बीजिंग से भारतीय दूतावास के 2 अधिकारी भी वुहान गए थे ताकि छात्रों को वापस स्वदेश भेजा जा सके। विदेश मंत्री की इस घोषणा का सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया। जयशंकर ने कहा कि जब भारतीय उड़ानें वुहान गई थी तब यह पेशकश की गई थी कि पड़ोसी देशों का कोई भी छात्र उन उड़ानों से भारत आ सकता है। उन्होंने बताया कि इस पेशकश का मालदीव के 7 छात्रों ने लाभ उठाया। चीन के वुहान प्रांत से फैले कोरोना वायरस का डर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत समेत कई देशों में इस जानलेवा वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से अभी तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अभी तक इस वायरस से 31,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। मतदान से ठीक एक दिन पहले चुनाव और भी आक्रामक हो गया। दिल्ली के ठाला में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह एक ज्वेलरी शॉप पर गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया और मतदाताओं को पैसा बांटने का आरोप लगाया। इसके बाद वहां पुलिस पहुंची और तब गिरिराज सिंह वहां से रवाना हो गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पैसे बांटने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने ट्विटर पर गिरिराज सिंह का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि देखिए इस भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को रिठाला विधानसभा में लोगों ने इसको रुपए बांटते हुए पकड़ा है। हालांकि डीसीपी रोहिणी के मुताबिक गिरिराज सिंह अपने पीएसओ के साथ निजी कार्य से विजय विहार में एक ज्वेलर से मिलने पहुंचे थे। शाम 6:45 पर गिरिराज सिंह के पीएसओ ने ही पीसीआर कॉल कर शिकायत की थी कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता दुकान के बाहर जमा होकर हंगामा कर रहे हैं।
चुनाव आयोग की ओर से लगातार वोटर्स को वोट देने के लिए कैंपेन के जरिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं ऑटो, बस और विमानन कंपनियों ने भी वोटर्स के लिए कई खास ऑफर लॉन्च किए हैं। बाइक टैक्सी बुकिंग ऐप रैपिडो दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी वोटर्स को फ्री राइड देगी। ये मुफ्त राइड कंपनी घर से 3 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले पोलिंग बूथ के लिए देगी। कंपनी के मुताबिक वह दिल्ली में कहीं पर भी पोलिंग बूथ के लिए 3 किलोमीटर तक की सभी राइड्स के लिए 100% राइड फीस माफ करेगी। ये ऑफर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इसी तरह अभी bus.com ने चुनाव के दिन यानी शनिवार को आई वोट आई विन कैंपेन के तहत फ्री बस सर्विस देने का ऐलान किया है। यह कैंपेन 5 फरवरी से शुरू हुआ था जो 10 फरवरी की शाम को खत्म हो जाएगा। इस कैंपेन के तहत आप ऑनलाइन दिल्ली से देश के किसी भी हिस्से में जाने या आने का बस टिकट फ्री में करा सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट बुक करते वक्त अभी वोट कूपन कोड एंटर करना होगा। इसके साथ ही अपनी वोटर आईडी और उंगली पर सिहाई के निशान की तस्वीर ivoted@abhibus.com मेल आईडी पर देनी होगी। इन सब से ठीक पहले एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने कहा था कि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे कुछ लोगों को सैकड़ों फ्री टिकट देगी। कंपनी के मुताबिक इन यात्रियों को बेस किराया नहीं देना होगा, उन्हें सिर्फ कर और अन्य उपकर देने होंगे। हालांकि इस ऑफर के लिए आवेदन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। बता दें कि स्पाइस डेमोक्रेसी कैंपेन के तहत कंपनी ने बताया था कि अगर कोई 8 फरवरी को ही दिल्ली जा रहा है और उसी दिन लौट रहा है तो वह दोनों टिकटों पर लगी बेस किराए की राशि वापस कर देगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।